Hey, what's up guys, welcome to my channel and I am back with a new video. So Nokia seems intent on filling out its lineup with every number from 1 to 10, and the next device rumored to be joining their ranks are the Nokia 7.1 Plus. The Nokia 7.1 Plus 16 October ko China pe launch ho chuka hai, lekin ye device abhi tak India pe launch nahi hua hai. And according to some popular Chinese and South Korean leakster, the Nokia 7.1 Plus ki baare mein kuch information samne aaya hai, jo main aapke saath share karunga. So aap is video ko आगे तक देखते रहिए। मैं इस वीडियो में इसी Nokia 7.1 Plus की प्राइस, स्पेसिफिकेशन एंड इंडिया लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज योर होस्ट एसडी एंड विदाउट एनी मोर टाइम गेट स्टार्टेड इन दिस वीडियो। तो पहले अगर बात किया जाए डिवाइस की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो आपको इस डिवाइस में जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो होगा 6.18 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले विद 1080x2280 पिक्सल डिस्प्ले रेजोल्यूशन विद 19.9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। और आप अगर बात करें डिवाइस के प्रोसेसर के बारे में, तो आप इसमें देख पाएंगे 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 ऑक्टाकोर प्रोसेसर विद 2 रैम एंड 2 स्टोरेज वेरिएंट, जो आएगा 4GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड 6GB रैम विद 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ में। द नोकिया 7.1 प्लस ग्लोबल लॉन्च मे बी जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड द फोन विल सपोर्ट बोथ अ बेटर डिजाइन एंड इम्प्रूव हार्डवेयर। कैमरा सेक्शन की बात करें तो आप इसमें देख पाएंगे डुअल कैमरा लेंस एट द बैक। द मेन कैमरा लेंस विल बी अ 12 मेगापिक्सल f1.8 एपर्चर लेंस एंड अ 13 मेगापिक्सल सेकेंडरी लेंस फॉर ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन। और फ्रंट की अगर बात की जाए तो आप इसमें देख पाएंगे 20 मेगापिक्सल f2.0 एपर्चर लेंस टू टेक हाई क्वालिटी सेल्फी शॉट्स। और आप अगर बात करें बैटरी की, तो आपको इसमें देखने को मिलेगा 3500 mAh की बैटरी, जो फीचर होगा 18 वाट की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ थ्रू USB-C टाइप पोर्ट। एंड ए न्यू रिपोर्ट सजेस्ट ये डिवाइस ग्लोबली नोकिया 8.1 प्लस के नाम से लॉन्च किया जाएगा। और रूमर न्यूज के हिसाब से नोकिया 7.1 प्लस की ग्लोबल वेरिएंट फीचर होगा एंड्रॉइड 9.05 की स्टॉक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, जो आपको एक स्मूथ यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। और प्राइस की बात किया जाए तो नोकिया 7.1 प्लस की प्राइस हो सकती है अप्रोक्स 18,200 रुपीज के आसपास। तो दोस्तों अगर देखा जाए 18,000 की प्राइस पॉइंट पे आपको सब कुछ मिलेगा जो आप एक नोकिया के स्मार्टफोन में एक्सपेक्ट करते हैं। और आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मैं इसी नोकिया 7.1 प्लस की अनबॉक्सिंग एंड स्मॉल गिव अवे करने वाला हूँ, जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं और आप नोकिया 7.1 प्लस को जीत सकते हैं। तो आप नीचे बताएं कमेंट पे कि आपको डिवाइस कैसा लगा और आप ही डिवाइस को कौन सी प्राइस पॉइंट पे देखना चाहती है जो इंडिया पे लॉन्च होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज आएगा वो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ, ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज सबसे पहले जान सके। तो लेट मी नो योर थॉट ऑन दिस एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। Peace out.